एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियो के पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंचती रहे। आज इस वीडियो में बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर साइंस टेक्नोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर कराने जा रहे हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं आज का सेशन। बीज वर्धन हेतु गेहूं के लिए विस्थापन दूरी कितनी रखते हैं? ए 3 मीटर, बी 4 मीटर, सी 6 मीटर, डी 8 मीटर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 3 मीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गन्ने SDP की अंधकार अवधि को एक प्रकाश पुंज से तोड़ा जाए तो इसमें होगा क्या? होगा तुरंत पुष्पन होगा, पुष्पन नहीं होगा, असाधारण गुण पुष्प उत्पन्न होंगे, बहुत अधिक पुष्प उत्पन्न होंगे। तो इसका सही जवाब होगा पुष्पन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइटोक्रोम पाए जाते हैं ए शैवालों में, बी कवकों में, सी पुष्पी पादपों में, डी सभी समवाहिनी पादपों में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पुष्पी पादपों में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प प्रकाशी पादपों SDP में पुष्पन प्रेरित होता है तो होता है लंबी अवस्था द्वारा, छोटी प्रकाशावधि एवं खंडित लंबी रात्रि द्वारा, 12 घंटे से कम प्रकाशावधि द्वारा, प्रारंभिक मूल्य से छोटी प्रकाशावधि एवं पूर्ण लंबी रात्रि। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीज को 0.1 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड के विलयन में रखा जाता है, इसकी जीवन क्षमता दर्शाई जाती है भ्रूणी अक्ष के निम्न रंग विकसित होने से, ए गुलाबी, बी लाल, सी नीला, डी पीला। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए गुलाबी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक पदार्थ जो पुष्पन के लिए आवश्यक हैं, फ्लोराकार्बन, GA3, फ्लोरोजन, ऑक्सिन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी फ्लोरोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंतीकरण को कौन विस्थापित कर सकता है? तो ए ऑक्सीजन ऑक्सिन, बी इथिलीन, सी जिब्रेलिन, डी साइटोकानीन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी जिब्रेलिन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पादपों में पुष्पन को प्रभावित करता है? तो ए हरे वर्ण की मात्रा, बी मृदा की अम्लता, सी दीपकालिता, डी मृदा में जल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी मृदा में जल, मृदा में जल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश पौधे ऋतुनिष्ठ होते हैं जिसका कारण है? दीप्तकालिता, प्रकाश अनुवर्तन, सी प्रकाश संश्लेषण, डी प्रकाशीय अपघटन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए दीप्तकालिता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीबी पेरी प्रदर्शित की जाती है मैग्यून
मैग्यू, बी समुद्री खरपतवार में, सी जलीय पौधों में, डी मरुस्थली पौधों में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मैनग्रीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रेड तथा फार रेड प्रकाश को अवशोषित करता है। ए कैरोटीन, बी साइटोक्रोम, सी फाइटोक्रोम, डी जेंथ्रोफिल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी फाइटोक्रोम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प प्रकाश अवधि वाले पौधे हैं। ए कृत्रिम प्रकाश अवधि वाले नहीं होते हैं, बी पुष्पों के लिए उपयोगी हैं, सी दीर्घ प्रकाश अवधि वाले पौधे के समान होते हैं, डी उपरोक्त सभी होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए क्रांतिक प्रकाश अवधि वाले नहीं होते हैं, ए इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में फोटोफॉर्मोजेनिक वर्णक होता है। ए क्लोरोफिल, बी कैरोटीन, सी जेंथोफिल, डी फाइटोक्रोम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी जेंथोफिल इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में पुष्पन एवं वृद्धि के लिए कुछ समय तक बीजों को कम तापमान पर रखने की विधि को कहते हैं। ए शीतकलन, बी अवसंतीकरण, सी वसंतीकरण, डी तापी अपघटन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वसंतीकरण इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीप्तिकालिता होती है। ए प्रकाश के कारण रण वृद्धि का वर्णन, बी पुष्पन पर प्रकाश अवधि का प्रभाव, सी प्रकाश अवधि की का पादप वृद्धि पर प्रभाव, डी दिन तथा रात्रि को पुनः घटित होना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, पुष्पन पर प्रकाशावधि का प्रभाव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पौधों में पुष्पन के लिए प्रतिदिन अंधकार के अल्पकाल की आवश्यकता होती है वे कहलाते हैं। ए अल्प प्रकाशी पादप, एफीमेरल पादप, सी दीर्घ प्रकाशी पादप, डी सामान्य प्रकाशी पादप। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी दीर्घ प्रकाशी पादप इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइटोक्रोम सम्मिलित होता है। ए दीप्तकालिता में, बी भूम्यानुमावर्तन में, सी प्रकाशानुवर्तन में, डी प्रकाश श्वसन में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए दीर्घकालिता में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में बीज अपना पक्वान काल पूरा करते हैं। ए बीजों के अंकुरण के समय, बी जमीन में गिरने तथा अंकुरण के बीज के समय में, सी कम तापमान के समय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कम तापमान के समय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोधित बीज प्रयोग कर लेना चाहिए 15 दिन के अंदर, बी 30 दिन के अंदर, सी 10 दिन के अंदर,
डी 7 दिन के अंदर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 15 दिन के अंदर शोधित बीज को उपयोग कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक गहराई पर कैसा बीज बोते हैं? ए छोटा बीज, बी पतला बीज, सी मोटा बीज, डी हल्का बीज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मोटा बीज इज करेक्ट आंसर। अधिक गहराई पर मोटा बीज को बोना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्का शीतल जाति है। तो एक ए लौकी, बी मूली, सी ककड़ी, डी तरबूज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ककड़ी। अर्का शीतल प्रजाति है, वो ककड़ी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकरकंद के लिए प्रति हेक्टेयर कितने कलमे बोते हैं? ए 10 से 15 हज़ार, बी 80 से 90 हज़ार, सी 50 से 60 केजी, डी है 10 से 12 केजी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 50 से 60 केजी प्रति हेक्टेयर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्क ग्रीन जाति है। ये जाति लिखा है गलत है, जाति हो गया। ए पत्ता गोभी, बी गांठ गोभी, सी मूली, डी फूल गोभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पत्ता गोभी। अर्क ग्रीन प्रजाति है वो पत्ता गोभी की है। मूली की बीज दर प्रति हेक्टेयर रखते हैं? ए 2 से 4 केजी, बी 11 से 14 केजी, सी 1 से 5 केजी, डी 8 से 10 केजी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहसुन को कितनी दूरी पर बोते हैं? ए 15 × 75 सेंटीमीटर, बी 10 × 5 सेंटीमीटर, सी 20 × 25 सेंटीमीटर, डी 20 से 15 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब होगा ए 15 × 75 सेंटीमीटर पर लहसुन की बुआई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्ता गोभी में बीज उत्पादन हेतु प्रति हेक्टेयर कितना होता है? ए 3 कुंटल, बी 5 कुंटल, सी 12 कुंटल, डी 10 कुंटल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 5 कुंटल प्रति हेक्टेयर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा चिकनी किस्म है? ए गाजर, बी तोरई, सी भिंडी, डी सलजम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी तोरई। पूसा चिकनी प्रजाति है वो तोरई की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा सारबती किस्म है? ए बैंगन, बी तरबूज, सी खरबूजा, डी करेला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी खरबूजा, खरबूजा की प्रजाति है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीप्तकालिक उद्दीपन ग्रहण करती है? ए पत्तियां, बी पुष्प, सी कलियां, डी विभज्योतक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पत्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में दीप्तकालिता संबंधित होती है निर्माण से? ए ऑक्सीजन, बी सी क्लोरोफिल के, डी फ्लोरीजीन के। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी फ्लोरीजीन के निर्माण से संबंधित होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पी पेड़
एवं बीज अंकुरण दोनों से ही संबंधित रंजक है। ए फ्लोरीजेन, बी पर्णहरित, सी प्लास्टोसाइनिन, डी फाइटोक्रोम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, फाइटोक्रोम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वर्णक जो प्रकाश संवेदी बीजों के अंकुरण के लिए उत्तरदायी हैं कहलाते हैं। ए पर्णपीत, बी पर्णपीतक, सी अंकुरण वर्णक, डी फाइटोक्रोम। तो इसका सही जवाब होगा फाइटोक्रोम, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधकार में प्रकाश की क्षण दीप्ति फ्लैश ऑफ लाइट निम्न में कौन से पौधे में पुष्पन अवरोध करेगी। ए एस डी पी, बी एल डी पी, सी एल एस डी पी, डी डी एन पी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एस डी पी इज करेक्ट आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्लोरीजिन शब्द प्रदान किया था ए मिलर ने, बी लाइसेंको ने, डी स्टेने ने, डी चेलेखान ने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, चेलेखान ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राइसेंथेनम गुलदाउदी के पौधे सर्दी में पुष्पन करते हैं क्योंकि ये दीर्घ का प्रकाश कालिक होते हैं। बी ये गर्मी की गर्म रातों को पसंद नहीं करते हैं। सी इन्हें सर्दी की ठंडी रातें पसंद होती हैं। डी ये अल्प प्रकाश अवधि वाले पौधे होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एक अल्प प्रकाश अवधि वाले पौधे होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण सत्यता के लिए दीर्घ प्रकाश कालिक पौधे द्वारा पुष्पन में आवश्यकता पड़ती है। ए दीर्घ रात्रि के प्रभाव की, बी बिना प्रकाश के प्रयोग की, सी केवल दीर्घ प्रकाश अवधि के प्रभाव की, और डी है अल्प रात्रि के प्रभाव की। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, केवल दीर्घ प्रकाश अवधि के प्रभाव की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पौधे के लाल IR एवं फारेड IFR प्रकाश के प्रभाव में ए प्रथम प्रयोग का ही महत्व होता है, बी मध्यम प्रयोग का ही महत्व होता है, सी अंतिम प्रयोग का ही महत्व होता है, डी अल्प रात्रि के प्रभाव की। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतिम प्रयोग का ही महत्व होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीप्तिकालिता प्रभावित करती है ए कायिका वृद्धि का, बी पर्ण दीर्घीकरण का को, सी बीज अंकुरण को, डी उपरोक्त सभी को। तो इसका सही जवाब होगा कायिका वृद्धि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के जमाव के लिए उपयुक्त औसत तापक्रम क्या है। ए 25 डिग्री सेल्सियस, बी 15 डिग्री सेल्सियस, सी 40 डिग्री सेल्सियस, डी 35 डिग्री सेल्सियस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 25 डिग्री सेल्सियस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कम से कम 14 घंटे का अप्रकाशिक काल चाहने वाला एक पौधा है पुष्पन नहीं करेगा। यदि 14 घंटे की रात्रि प्रकाश की चमक द्वारा टूट जाए। बी, पुष्पन नहीं करेगा यदि दिन 14 घंटे की प्रकाश अवधि वाला होता है। सी, पुष्पन करेगा यदि दिन 14 घंटे। बी दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहें। इस चैनल पर बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर की सभी क्लासें रेगुलर चलेंगी। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।